गाइस वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। दोस्तों आज के इस स्पेशल ब्लॉग में हम बात करेंगे कि अगर आप एक मेडिकोच हो, अगर आप नर्सिंग प्रोफेशनल्स हो, अगर आप MBBS स्टूडेंट हो या फिर आप एक डॉक्टर हो, आपका क्लिनिकल एरिया के अंदर एक्सपोजर होता है, चाहे आप रेडियोलॉजिस्ट हो चाहे लैब टेक्नीशियन हो, अगर आपका किसी भी क्लिनिकल एरिया के अंदर एक्सपोजर होता है तो कौन कौन से वैक्सीन होते हैं जो आपको बहुत ही खतरनाक टाइप की डिजीजेज होती है जो उनसे बचाए रखते हैं, और कौन कौन से वैक्सीन मार्केट में आज की करंट मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध है जो आपको इन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बचा सकते हैं। एक्चुअली अर्चना की कॉलेज है जो डॉक्टर BR अंबेडकर मोहाली वाली, वहाँ पे एक स्पेशल सेशन रखवाया था, उन्होंने PGI के स्पेशल डॉक्टर बुलाए थे। उन सेशन में उन डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर आप एक मेडिकोच हो, अगर आप एक MBBS स्टूडेंट हो, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर से पहले कौन कौन से वैक्सीन होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं लेने के लिए। अब उन्होंने जो लिस्ट पकड़ाई है उसके अंदर पहला है 3 डोजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नंबर 2 पे उन्होंने बताया कि आपको 1 डोज लगानी है TDAP की। नंबर 3 पे उन्होंने बताया कि 1 डोज ऑफ MMR वैक्सीन। नंबर 4 पे उन्होंने बताया कि 2 डोज ऑफ वेरिसेला आपको लेना है। और नंबर 5 पे बताया था कि एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और इसके अलावा कोविड का तो एक्स्ट्रा एडिशनली है ही। अर्चना ने मेरे को ये लिस्ट पकड़ा दिया और अर्चना ने बोला कि आपको ये वैक्सीन मेरे लिए अरेंज कर। मैं जो मेरे मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOT है डॉक्टर मुनीश चुग, उनके पास गया तो मैंने उनसे बात की, सर ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने मेरे को एक फाइनल स्लिप अलग से पकड़ाई, उन्होंने मेरे को अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताया। अब उन्होंने जो मेरे को बताया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो भी ओवरऑल कहीं पे भी अगर आप एक मेडिकोच हो तो आपको ये सब चीज़ वैक्सीन ले लेनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे मेनिंजाइटिस है, मेनिंजोकोकल है, अगर वो हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत में आप पड़ सकते हो, और क्लिनिकल एरिया में आप काम करते हो तो एक्सपोजर तो 100% होता ही है। सर ने मेरे को बताया वो है कि उन्होंने बोला कि हेपेटाइटिस बी के 3 डोज लगाने आपको 0, 1 और 6 पे। उन्होंने बोला कि जो TDAP है वो आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह आपको लगाना टिटनस का, और टिटनस के डोज लगाने 0 और 1। अगर आप पिछले 2 साल के अंदर आपके 2 डोज लगे हुए हैं तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 2 डोज नहीं लगे तो आपको एक बार 2 डोज लगा दो, उसके बाद हर 2 साल के बाद एक सिंगल बूस्टर लेना होता है। इसके अलावा MMR, तो MMR का सिंगल डोज उन्होंने कहा कि MMR की वैक्सीन का सिंगल डोज लेना आपको। इसके अलावा उन्होंने बोला कि चिकन पॉक्स के लगेंगे 0 और 1 पे। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन आती है वो इन्फ्लूवैक के नाम से आती है, उसका केवल सिंगल डोज लेना होता है। इसके अलावा मेनिंजोकोकल का सर ने मेरे को बताया, नहीं तो मैं कभी पूछ के बता दूंगा। मेनिंजोकोकल वैक्सीन के लिए उन्होंने बोला कि PREVNEX 1-3 के नाम से आपको जो वैक्सीन आएगी वो लगानी है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए के लिए उन्होंने स्पेशली बोला कि 0 और 6 पे। हेपेटाइटिस ए का कॉलेज वालों ने नहीं बताया, लेकिन मुनीश सर ने मेरे को बताया कि हेपेटाइटिस ए का भी लगाना बहुत जरूरी है, और वो है 0 और 6, 2 डोज लगेगी। HAVRIX इस नाम से आपको वैक्सीन मार्केट में मिलेगी। तो फ्रेंड जैसा मेरे को मुनीश सर ने बताया, वेरिसेला के लिए ये वाली वैक्सीन VARILRIX के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी। ये GSK का है, तो GSK अच्छा ब्रांड है। और इसके अलावा उन्होंने MMR के लिए मैंने ये परचेज करी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, PFS इसके नाम से। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मैंने लिए BVAC के नाम से, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन RDN। इसके अलावा TT का टिटनस वैक्सीन नाम से है। दोस्तों चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है, अब इसके अंदर जो निकलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, इसको 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना होता है, इसका डाइल्यूएंट है। एक्चुअली इसके पैकेट के अंदर निकला, एक तो ये इस तरह की वायल निकली, और इसके अलावा एक प्रीफिल सिरिंज निकली, और इसमें जो डाइल्यूएंट था वो इन्हें इसके अंदर डाल दिया, और अब इस तरह से मैं इसको भर लूंगा। आप दूसरी निडल भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके साथ में जो दी वही निडल यूज करनी है। निडल आपने रबड़ में घुसाई ना, इसको नहीं यूज करेंगे हम, इसको चेंज कर लेंगे। वेरिसेला वैक्सीन है, इसको लगाना सबक्यूटेनियस। आप इसे यहाँ से 3 इंच नीचे यहाँ पे लेटरल साइड में लगा सकते हैं, तो इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन में क्लीन करेंगे, वेट करेंगे 30 सेकंड तक सूखने का। इसको मुझे लगाना सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस लगता है 45 डिग्री के एंगल पे। MMR की वैक्सीन को ओपन करता हूँ, ये बनाई हुई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पुणे के अंदर जो यूनिट है, और 0.5 ml इसके अंदर सिंगल डोज। अभी डाइल्यूट हो चुकी है वैक्सीन पूरी, तो
दोस्तों MMR की जो वैक्सीन है इसको भी लगाना है सबकुटेनियस, यहाँ से 3 इंच नीचे जनरली इस एरिया में लगा सकते हैं, भी लगाना मुझे सबकुटेनियस, और ये भी लगेगा 45 डिग्री के एंगल पे डेल्टॉइड पे। तो दोस्तों फिलहाल मैंने अर्चना को चिकन पॉक्स और MMR दोनों वैक्सीन लगा दी, और टिटनस और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मैं इसको सुबह लगा दूंगा, क्योंकि हो सकता है 4 वैक्सीन एक साथ लगने से फीवर आ जाए और बहुत ज़्यादा फीवर आ जाए, कंडीशन खराब हो जाए, मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा है। 2 वैक्सीन सुबह या उसके नेक्स्ट डे पे लगा दूंगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।